हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मोदी और योगी की जोड़ी ने बिहार में किया कमाल। पीएम मोदी की जनसभा वाले क्षेत्रों में एनडीए की जबरदस्त जीत। योगी के प्रचार वाली 19 सीटों में से अधिकांश पर एनडीए जीत की राह पर। बिहार के 17 जिलों की 75 से ज्यादा सीटों पर दिखा योगी इफेक्ट। 50 पर एनडीए को बढ़त। मोदी के चुनाव प्रचार के प्रभाव में आई 101 सीटों में से 60 पर एनडीए आगे। चुनावी नतीजों ने साबित किया मोदी हैं तो मुमकिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न उपचुनावों में भाजपा की जीत। मोदी जी के नीतियों पर जनता की मुहर। मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में जीत के लिए संगठन सरकार और कार्यकर्ताओं को दी बधाई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक। निर्माण कार्यों में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। धनतेरस से दीपावली पर्व तक महानगर में यातायात व्यवस्था किया गया डायवर्ट। कई रास्तों पर आवागमन पूरी तरह से रहेगा प्रतिबंधित। एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने दी जानकारी। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली बहुमत पर भाजपाइयों ने किया खुशी का इजहार। आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा मोदी और योगी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास के पथ पर है अग्रसर। त्योहारों के मद्देनजर अपने यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे चला रहा है 107 पूजा स्पेशल ट्रेन। सीपीआरओ ने कहा यात्रियों की सुविधा को देखते हुए खोला गया रेलवे स्टेशन का वेटिंग हॉल। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही यात्रा कर सकेंगे यात्री। कोरोना के दूसरे लहर के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की तेज। सीएमओ ने कहा स्वास्थ्य विभाग की टीम बुजुर्ग और बीमार लोगों की नए सिरे से करेगी तलाश। जरूरत पड़ने पर उनकी कराई जाएगी कोरोना जांच। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण संबंधित बैठक। कहा 4 विशेष अभियान चलाकर जोड़े जाएंगे नए मतदाता। बढ़ते ठंडक को देखते हुए मुख्यमंत्री द्वारा सभी रैन बसेरों को सक्रिय करने के निर्देश पर नगर निगम ने अपनी सारी तैयारियां की पूरी। महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा किसी भी यात्री या मजदूर को रैन बसेरों में ठहरने की है उत्तम व्यवस्था। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई परफॉर्मेंस ग्रांट समिति की बैठक। चयनित गांवों को मॉडल गांव में विकसित किए जाने पर हुई चर्चा। यातायात माह के तहत एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में महानगर के अंदर चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। गोलघर चौराहा से विजय चौराहा एवं सिटी मॉल तक पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा करने की अपील। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 37 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,370। अब तक 315 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 407 एक्टिव हुए मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। एक जनपद एक उत्पाद के तहत टेराकोटा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महानगर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए टेराकोटा उत्पादों का स्टॉल। विक्रेताओं ने कहा दिवाली पर्व को देखते हुए डिजाइनिंग दियो की है अधिक डिमांड। बिक्री हो रही है अच्छी। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए मंगलवार को 3 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन पत्र। 12 नवंबर तक नामांकन और 17 नवंबर तक होगा नामांकन पर्चों की वापसी। और दीपावली के मद्देनजर विकास भवन परिसर में लगाया गया दीपावली सरस मेला। मेले में लोग उठा सकते हैं स्वदेशी वस्तुओं के खरीदारी का लाभ। सीडीओ ने किया मेले का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश।